ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार रक्षाबंधन की तिथि को लेकर काफी संशय है, ऐसे में मैं पंडित श्री कृष्ण बलराम शास्त्री आप सभी को रक्षाबंधन के सही समय और तिथि के बारे में बताने जा रहा हूँ, इससे आपके सभी संशयों का निवारण हो जाएगा। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार है। रक्षाबंधन हर साल श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा काल लगने वाला है, इससे त्योहारों की तारीखों को लेकर बड़ा संशय है। कोई 30 अगस्त तो कोई 31 अगस्त को राखी का त्योहार मनाने की बात कर रहा है। रक्षाबंधन पर भद्रा काल की छाया के कारण भाई बहन के त्योहार की तिथि को लेकर आम जनमानस में असमंजस की स्थिति है। इस बार रक्षाबंधन पर 200 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है, जब गुरु और शनि ग्रह का शुभ प्रभाव रहेगा। इस बार रक्षाबंधन पर शनि और गुरु ग्रह बकरी अवस्था में अपनी स्वयं राशि में विराजमान रहेंगे। 24 सालों के बाद रक्षाबंधन पर रवि योग के साथ बुद्धादित्य योग और शतविशा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। यह समृद्धि कारक और राज योग का लाभ देने वाला है। इस बार सावन शुक्ल पूर्णिमा तिथि का आरंभ बुधवार 30 अगस्त को सुबह 10:58 से शुरू होगा, वहीं इसका समापन गुरुवार यानी 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर हो रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार 30 और 31 अगस्त दोनों दिन मनाया जाएगा। बहनों को सिर्फ भद्रा काल को ध्यान में रखते हुए भाइयों को राखी बांधने का समय निकालना होगा। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है 30 अगस्त की रात 9:02 से लेकर 31 अगस्त की सुबह 7:05 तक रहेगा। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन पर भद्रा काल को भाई को राखी बांधना वर्जित माना गया है। इस बार 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा काल आरंभ हो जाएगा। यह रात 9:02 तक रहेगा, यानी भद्रा काल करीब 10 घंटे तक लगा रहेगा। इसलिए बहनें 30 अगस्त को भद्रा काल के बाद ही भाई की कलाई पर राखी बांध सकेंगी। यानी 30 अगस्त को आपको राखी बांधने के लिए केवल रात्रि पहर का ही समय मिलेगा। 30 अगस्त को रक्षाबंधन मना रहे हैं तो रात 9:02 के बाद ही राखी आपको बांधनी चाहिए। अगर आप 31 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने वाले हैं तो इस दिन सुबह 7:05 से पहले भाई की कलाई पर बहनें राखी बांधें। इसके बाद सावन पूर्णिमा की तिथि और रक्षाबंधन का महत्व दोनों समाप्त हो जाएंगे। आपको हर हाल में इस समय से पहले भाइयों को राखी बांधनी होगी। रक्षाबंधन का रक्षा सूत्र लाल रंग का, पीले रंग का और सफेद रंग का होना चाहिए। अच्छे मुहूर्त अथवा भद्रा रहित काल में भाई की कलाई में राखी बांधने से भाइयों को कार्य सिद्धि और विजय प्राप्ति होती है। रक्षा सूत्र या राखी हमेशा मंत्रों का जाप करते हुए ही बांधनी चाहिए। इस दिन बहनें भाई को राखी बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। ओम येन भद्रो वली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिवंदनामि रक्षे माचल माचला। इस मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करें। रक्षा सूत्र या राखी बांधने के बाद अपने माता पिता या गुरुजनों का आशीर्वाद अवश्य लें। इसके बाद बहनों को सामर्थ्य के अनुसार उपहार जरूर दें। उपहार में ऐसी वस्तुएं दें जो दोनों के लिए मंगलकारी हो। विशेषकर ध्यान रहे काले वस्त्र और खाने पीने की तीखी या नमकीन चीजें भूलकर भी बहनों को ना दें। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से रिश्तों में खटास
पड़ जाती है, इसीलिए ऐसे उपहारों से सदैव दूरी बना करके चलें। मित्रों, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार, जय श्री राधे।